सो गाइस, अपना मार्केट का काम हो गया है और आप लोग सोच रहे होगे कि मेरा मास्क कहाँ है। तो मास्क मेरा यार उड़ गया, ये इधर हैंडल पे 2 मिनट के लिए रखा था और उड़ गया, तो अब उसको भूल जाना पड़ेगा अपने को। तो अभी घर जा रहा हूँ और जो अपना हेल्पिंग वाला काम था उसका थोड़ा बहुत काम चालू हो गया है और एक दो दिन में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें हम हेल्पिंग करना चालू कर देंगे, ठीक है। सो अभी घर निकलते हैं, फिर आगे के दिन की शुरुआत करते हैं अपने। What's up guys, this is Gaurav here and welcome back to our channel. तो अभी मैं ये जो अपना टेकरी साइड है उधर आया हूँ और इसका दूसरा नाम है सनसेट पॉइंट। अभी यहाँ से पूरा सनसेट का व्यू कैप्चर अपने करेंगे अगर, और इधर जस्ट अपने पीछे आपको ये रेलवे हॉस्पिटल मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल है और इसके पीछे एक अलग ही स्टोरी है। बात कुछ ऐसी है कि जो अपना टेकरी साइड है यहाँ आना था अपने को बहुत टाइम से, बट मैं सोच रहा था कि सुबह के टाइम आऊँ, बट सुबह उठ ही नहीं पा रहा था। जिस दिन मैं अलार्म लगा के रखता हूँ उस दिन सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और जब अपने फ्रेंड लोग कॉल करते हैं तो उठ जाता हूँ। सुबह क्या यार, अकेले मज़ा नहीं आती और शाम के टाइम में अकेले सही रहता है। तो अपने थोड़ी हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है, अराउंड 50 ईयर्स प्लस। 1954 में ये हॉस्पिटल निर्माण हुआ था इसका, वो भी अंग्रेज़ लोग ने किया था। फिर जब उन लोग अपना दाहोद इंडिया छोड़ के चले गए तो ये अपने लिए इन लोग ने छोड़ दिया। और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज़ रेलवे एम्प्लॉय लोग को बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो सीन क्या हो रहा है पता है, एक तो मेरे हाथ में कैमरा है और माइक है ना, तो पब्लिक क्या डर जा रही है, सोच रही है कि क्या वीडियो शूट कर रहा है ये ना वो, ये भी बात है ना। इधर और इधर लवर्स लोग भी आते हैं, फैमिली वाले आते हैं, इधर जस्ट बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। शाम के टाइम बहुत ही सही हो जाता है सीन, जैसे कि अभी सनसेट हो रहा है पूरा, बस थोड़ा डाउन होने ही वाला है, 7 भी बजने वाली है। तो अपने अभी यहाँ से चलते हैं घर की तरफ, ठीक है। सो अभी अपने सी साइड पे आ चुके हैं, सो दिस इज सी फॉर कैट वाला सी साइड। जब से लॉकडाउन लगा है तो पब्लिक सोच रही है कि बस शाम हुई कि हम निकले घर से, और सही में बहुत सारी पब्लिक है यार। और कैमरा निकालो तो वहाँ तो यार भाई ऐसे घूर घूर के देखेगी कि पूछो मत, जैसे कि उन लोग की वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो गाइस, आई एम एट होम और अभी समय हो रहा है 10:30 के आसपास। तो आज अपने टेकरी साइड गए थे तो उधर का अपन ने थोड़ा बहुत व्यू कैप्चर किया, मस्त माहौल अच्छा था, बट भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा थी इस टाइम में, लॉकडाउन टाइम में। मुझे लगा कि मुझे पुलिस एक दो बार पकड़ेगी ज़रूर, क्योंकि वो थोड़ा इनर एरिया हो गया अपना दाहोद के अंदर, तो उधर पुलिस आनी चाहिए। बट उधर तो यार इतनी ज़्यादा पब्लिक टेकरी साइड पे, बिलीव ही नहीं हुआ मुझे। तो क्या कर सकते हैं इस लॉकडाउन में, पब्लिक भी शाम को थोड़ा घूमने फिरने निकलती है, सेफ्टी के साथ निकलती है अपना। उधर एक मुझे अंकल मिले, जस्ट यूँ रैंडमली बातचीत हो रही थी तो उनने एक ऐसी चीज़ बोली मुझे, तो वो बात एक तरीके से सही भी है। यूँ ही बातचीत हो रही थी, ये कोविड रिलेटेड टॉपिक ही था कि कितने केसेस आ रहे हैं ये सब वगैरह वगैरह। तो मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी कोविड में चल रही है ये ऑक्सीजन का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो अपना अर्थ है उस पर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे ह्यूमंस लोग अर्थ को डैमेज करते जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं वगैरह वगैरह। तो पेड़ ही हमें जो ऑक्सीजन देता है,
तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि थोड़ा बहुत रिलेशन है इस चीज़ का, कि अपन ने इतना डैमेज किया है अर्थ को, नेचुरल चीज़ों को, और अब हमें ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, फिर वेंटिलेटर, ये सब दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, और ज़्यादातर दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन रिलेटेड ही। तो सो अपन ने इतना डैमेज किया है, तो अब क्या कर सकते हैं, जो किया है उसका पश्चाताप तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं, आप लोग, सभी लोग, ऐसा नहीं कि मैं कोई एक पर्टिकुलर नेम बोल रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, अपने घर को साफ सुथरा रखो, तो अभी भी समय बाकी है हमारे पास, अभी भी देर नहीं हुई है। सो व्लॉग को इधर तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी और